हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर करंट अफेयर क्लास इन दिस क्लास वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सो आज की क्लास में हम सेवेंथ ऑफ अगस्त 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सो so, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में सो इन टू डेज क्लास वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज also we will discuss some news related to the business and finance we will discuss some important sports news some important defense news some recently death or obituary news some international news as well as some state news we will also discuss some important um, uh, basically appointments banking news economy news and some important days

छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक या स्वामी हैं, और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे साथ ही एट द रेट आई आई टी के डॉट ए सी डॉट इन पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे सो लेट्स स्टार्ट आर टूडे सेशन विद आर फर्स्ट नेशनल न्यूज तो so, पहली नेशनल न्यूज के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट नेशनल न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशू आर आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ट्रांसफॉर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन ऑर्गन्स सो बेसिकली क्या होता है जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उन्हें एयर रोड और रेल और वॉटर वेस्ट के थ्रू इजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके तो उसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली प्रोसीजर स्टार्ट किया है द द गोल इज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव ऑर्गन बिटवीन हॉस्पिटल और सिटीज तो हॉस्पिटल और शहरों के बीच में ताकि इजली जीवित अंगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके इसलिए ये एसओपी तैयार किया गया है दिस इनिशिएटिव वॉज डेवलप इन कोलेबोरेशन विद नीति आयोग एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड सेकंड इन कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो भारत की ऑर्गन ट्रांसप्लांट में वर्ल्ड वाइड रैंक कितनी है थर्ड है और स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट की तो उसमें भारत की रैंक कितनी है सेकंड है द एस ओपी इंक्लूड गाइडलाइन फॉर एयर ट्रेवल रोड एंड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग एंश्योरिंग दर्गन बॉक्स इथ कैप अपराइट एंड लेबल विद केयर तो उस पर लिखा होना चाहिए हैंडल विद केयर और सही तरीके से उसे पकड़ाओ या रखाओ सीधे तरीके से तो ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्लियर नाउ लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज रिसेंटली गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर पिकॉक सेंचुरी इन कर्नाटका एंड केरला सो टू दो नई पिकॉक सेंचुरी बनवाई गई हैं या डिक्लेयर की गई हैं बाय इंडियंस और यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू कहां कहां पर बनी गई है केरला एंड कर्नाटक में सो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर चोला नूर इन केरला एंड आदि चुंचरगिरी इन कर्नाटक एज अ पिकॉक सेंचुरी तो दो पिकॉक सेंचुरी बनवाई जाएंगी फर्स्ट इन चोलतुरनार और सेकंड इज इन आदि चुंचनगिरी सो फर्स्ट इज इन केरला एंड सेकंड इज इन कर्नाटका दी सेंचुरी पिकॉक द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आप सबको पता है पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है तो इन सेंचुरी के थ्रू इस पिकॉक को क्या किया जाएगा प्रोटेक्ट किया जाएगा द चोला ननूर पिकॉक सेंचुरीटेड इन पलाक्कड़ एंड इट इज लोकेटेड इन पलक्कड़ एंड थ्रिशूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एंड द आदि चुनचुनगिरी पिकॉक सेंचुरीटेड इन मांडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका क्लियर So two new peacock century. First is in Kerala and basically Karnataka. Okay. Now next is also a national news. Recently, our Chief Justice of India D Y Chandrachud launched EDHCR portal. So what is the purpose of this portal? Why Chief Justice of India launched this portal? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ लॉन्च द ई डी एच सी आर पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट तो इसमें क्या होगा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट है उच्च न्यायालय के निर्णय है उनकी रिपोर्टिंग के लिए बेसिकली ये पोर्टल लॉन्च किया गया है द पोर्टल एम टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू लीगल नॉलेज ताकि क्या की जा सके लोगों तक कानूनी ज्ञान और डिसीजंस पहुंच सके इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है Done. Okay. Now let's move to our next news, which is related to the business news. So recently, Carly Group sell twelve point eight percent stake in PNB Housing Finance. So Carly Group ne PNB Housing Finance mein basically पी एन हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स खरीदे हुए थे अभी उसने अपने 12.8 पॉइंट परसेंट शेयर सेल कर दिए हैं तो दर््लाई ग्रुप सोल्ड 12.8 परसेंट स्टेक इन पी हाउसिंग बैंक हाउसिंग फाइनेंशियल बैंक फॉर आर एस टू फाइव सेवन एट पॉइंट जीरो नाइन करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन तो ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के थ्रू दो करोड़ में अपने ट्वेल्व स्टेक सेल किए हैं Following the sale, now Carla is taken PNB housing. Finance has declined to 19.88%. So, how percent shares are left 19.88% share after selling 12.8% share. Next news is related to the sports news. Vinesh Foga disqualify in Paris Olympic 2024. आप सबको पता है पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं पेरिस में इस बार समर ओलंपिक चल रहे हैं फॉर 2024 तो रिसेंटली विनेश फोगाट हु इज रेसलर बेसिकली जो एक कुश्ती कुश्ती फील्ड से बिलोंग करती हैं अभी वो डिसक्वालीफाई हो गई हैं एज शी वॉज बेसिकली ये क्या कर रही थी 50 के जी कैटेगरी में लड़ रही थी बट ड्यू टू 100 ग्राम ओवर वेट शी वॉज डिस्कालीफाई फ्रॉम विनिंग अ सिल्वर मेडल एंड लीविंग ओनली गोल्ड एंड ब्रॉन्स विनर इन द

सो द इंडियन एयरफोर्स हैज ग्रांटेड क्लियरेंस टू डीआरडीओ एंड भारतीय डायनेमिक लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 200 हंड्रेड एस्ट्रा मार्क मिसाइल सो अभी परमिशन मिल गई है डीआरडीओ को एंड लिमिटेड को कि वो 200 सौ एस्ट्रा वन एयर टू एयर मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में ही कर सकते हैं दिस मिसाइल सिस्टम इज डिजाइन टू एंगेज एंड डेस्ट्रॉयड हाईली मेन्यरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड नेक्स्ट इज आल्सो अ डिफेंस न्यूज़ रिसेंटली चाइना ट्रिपल एसटी लॉन्च फर्स्ट 18 सैटेलाइट फॉर मेगा कॉन्स्टेलेशन सो ऑन अगस्त 5 2024 स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ 18 सैटेलाइट फॉर इट्स लो अर्थ ऑर्बिटल कम्युनिकेशन मेगा कॉन्स्टेलेशन तो लो अर्थ ऑर्बिटल कम्युनिकेशन के लिए अभी शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने अभी अपनी फर्स्ट बैच लॉन्च किया जिसके अंदर उसने 18 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है प्रोजेक्ट एम टू डिप्लॉय 1296 लियो सैटेलाइट बाय 2030। तो कितना टारगेट लिया गया है कि 2030 तक बारह सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा और अभी फर्स्ट फेज में एटीन सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है क्लियर ओके okay. Now let's move to our next news. Next news is related to the obituary news. At the age of ninety-nine, the renowned social worker Shobna Ranade passed away. The renowned social worker Shobna Ranade passed away at the age of ninety-nine. She was honored with the Padma Bhushan in two thousand eleven for her contribution to the social work. सो हजार ग्यारह में पद्म भूषण अवार्ड जीत चुकी हैं फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल वर्क नाउ रिसेंटली शी डाइड एट द एज ऑफ 99 क्लियर नेक्स्ट इज अ इंटरनेशनल न्यूज नोबल लॉटरेट मोहम्मद यूनिस टू लीड बेंगाल बांग्लादेश इंतरिम गवर्नमेंट सो so, बांग्लादेश में भी इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई व्हाट इज इंतरिम गवर्नमेंट एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट जब तक एक परमानेंट गवर्नमेंट ना इस्टब्लिश हो जाए सो वी ऑल नो दैट द सिचुएशन ऑफ द बांग्लादेश इज नॉट स्टेबल बेसिकली द शेख हसीना स्टेप डाउन एंड फ्रेड द कंट्री ड्यू टू मास अपराइजिंग लीड मेनली बाय द स्टूडेंट्स सो नाउ मोहम्मद यूनिस नोबल लॉट्रेंड फ्रॉम बांग्लादेश विल लीड द कंट्री इंत्रिम गवर्नमेंट तो अब ये क्या करेंगे जो अंतरिम सरकार बनी है उसका नेतृत्व करेंगे फॉर्मर प्राइम शेख हसीना बाई दॉज मेड ऑन अगस्त सेवन बाय जोनियल अबेद इन द प्रेस सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन तो अभी कौन डील करेंगे मोहम्मद यूनिस डील करेंगे बांग्लादेश की इंतरिम गट को नेक्स्ट इज आल्सो इंटरनेशनल न्यूज़ रिसेंटली इंडियास फर्स्ट जीआई टैग फिक जूस एक्सपोर्ट टू पोलैंड तो पहली बार होगा इंडिया का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कोई फिक जूस कहां पर जाएगा एक्सपोर्ट किया जाएगा पोलैंड में तो so, पुरंदर हाईलाइट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तो ये किसने बनाया था पुरंदर हाईलैंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड इंडियास फर्स्ट जीआई टैग फिक जूस टू पोलैंड दिस फोलो देर अचीवमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ जी आई टेक टू हॉन्गकॉन्ग इन फेब्री ट्वेंटी नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया अनाउंस मेत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोलेबोरेशन विद इंडिया तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है एक ग्रांट अलॉट किया बेसिकली फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोलेबोरेशन विद इंडिया

in strength the relation between two countries clear okay next is recent state news jammu and kashmir bank launch kisan ka samman program so most important is scheme which is launched by basically jammu and kashmir union territory सो ऑन अगस्त फर्स्ट 2024 जम्मू एंड कश्मीर बैंक लॉन्च द किसान का सम्मान प्रोग्राम टू एम्पावर फार्मर्स हैव शोन एक्सेप्शनल फाइनेंशियल तो बेसिकली क्या है जो इस, इस किसान के सम्मान स्कीम के थ्रू किसानों को बेसिकली लोन प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें नई नई टेक्निक्स प्रोवाइड की जाएंगी और उन्हें बेसिकली उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ऑनर किया जाएगा The the program will run until September 30, 2024 and will honor identified farmer with a certification of appreciation. These farmers will also be offered additional loan product under the Bank Kisan Dost Scheme. So, इन्हें और benefit मिलेगा कि वो financial help भी ले सकते हैं bank से under Kisan Dost Scheme. तो किसान का सम्मान स्कीम लॉन्च हुआ है जम्मू एंड कश्मीर बैंक क्लियर नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज रिसेंटली झारखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्च उपस्थिति उपस्थिति पोर्टल पोर्टल अटेंडेंस बेसिकली दिस इज लॉन्च बाय झारखंड चीफ मिनिस्टर टू एंश्योर द डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ तो जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं उनकी अटेंडेंस के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है भाई झारखंड सीएम So, Jharkhand Chief Minister, who is the CM of Jharkhand, Hemant Orange launched the Upastiti portal to ensure daily attendance of healthcare staff. The portal will cross-verify biometric attendance. So, kya karega ye? biometric attendance ko cross-verify karega. Next is also a state news. रुपीज नाइन ट्वेंटी करोड़ नवामी गंगे मिशन टू पॉइंट ओ प्रोजेक्ट इन यूपी यूपीएन बिहार तो यूपी यूपीएन बिहार में गंगा का पुनः निर्माण करने के लिए रिजुवरेट करने के लिए अभी नमामि गंगे मिशन टू पॉइंट ओ स्टार्ट किया गया है जिसमें कितना बजट रखा गया है नाइन ट्वेंटी करोड़ तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड एंड मेड ऑपरेशनल फोर मेजर प्रोजेक्ट अंडर द नमामी गंगे मिशन टू पॉइंट ओ इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार दीज प्रोजेक्ट एम टू रिजूवनेट एंड कंजर्व द रिवर गंगा फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड इम्प्रूविंगल तो गंगा की सफाई और पुनः निर्माण के लिए पुनःदान के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेट न्यूज रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन सेक्शन सेवेंटी सेवन एफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल

तो स्टेट अमेंडमेंट करके इस सेक्शन को जोड़ा गया था जिसके अंदर इट अलाउड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार टू कैंसल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड थ्रू फ्रॉड और फॉरगेट रिकॉर्ड तो इसमें क्या है बेसिकली जो रजिस्ट्रार है वो धोखाधड़ी या जाली रिकॉर्ड के माध्यम से पंजीकृत संपत्ति संपत्ति दस्तावेजों को रद्द करने की पावर देता है द रूलिंग है सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड ओनरशिप राइट इन तमिलनाडु Next is also a state news recently Haryana government groundbreak MSP policy a new era for farmer support so on August 4 2004 Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini announced a new policy to purchase all crops at minimum support price at MSP हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट सच अम्प्रीहेंसिव एम एस पॉलिसी तो पहला स्टेट बन गया हरियाणा जिसने एमएसपी पॉलिसी को बेसिकली लागू किया है स्ट्रेटेजिक एफर्ट टू रिगेन पॉलिटिकल सपोर्ट अहेड ऑफ द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन क्लियर तो क्या करेगा विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए रणनीति प्रयासों के रूप में इसे देखा जा रहा है अलग अलग पॉलिटिशियंस के थ्रू या अलग अलग पर्सन के थ्रू सो फर्स्ट स्टेट टू बेसिकली अडॉप्टेड एम एस पी पॉलिसी डन ओके नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट न्यूज लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखरेराज डी जी ऑफ असम राइफल ऑन अगस्त फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखरेरा अजय चार्ज एज द ट्वेंटी सेकेंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल तो विकास लखेरा को अभी क्या बनाया गया है बाईसवे डायरेक्टर जनरल बनाया गया असम राइफल के ही सक्सीड लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर तो अभी किसकी जगह लेंगे ये प्रदीप चंद्रन नायर की जगह लेंगे प्रायर टू दिस लखरेता सर्वइज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस तो इससे पहले क्या थे मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल थे और अभी इन्हें असम राइफल के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है डन Okay. Next news is also related to the appointment news. Recently, Dinesh Karthik has been appointed as the brand ambassador of SA20 League. The former Indian cricketer Dinesh Karthik has appointed as the brand ambassador for SA20 League. This role aims to strengthen the league global presence and enhance its position in the competitive T twenty cricket landscape. Next news is also related to the appointment news. Recently, government appoint Challa Shirinivasulu Sethi as a State Bank of India chairman. So, recently, Challa Srinivasan Sethi has been appointed as the chairman of State Bank of India and he is appointed by the appointment committee of cabinet.

Next news is related to the banking news. Recently, Capital Small Financial Bank and LDV's life partner for bank assurance. What is bank assurance? Bank assurance means bank plus insurance. When a banking company sale, generally do sale the project of, or the product related to the insurance, then this term is known as bank assurance. So capital small financial bank, who is the first small financial bank established in 2014. एंड एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस है बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप तो अभी दोनों ने क्या कर लिया है बैंकोरेंस पार्टनरशिप कर लिया है दिस कोलेबोरेशन विल अलाव सी एस एफ बी कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक वन सेवेंटी सेवन ब्रांचेस टू ऑफर एल्डरवीज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एनहेंसिंग द बैंक फाइनेंशियल सर्विस एंड एक्सपेंडिट द इंश्योरेंस कंपनी रिसर्च एज वेल एज क्लियर ओके नेक्स्ट इज इकोनॉमी न्यूज गवर्नमेंट रिजर्व डिसीजन इंडेक्सेशन बेनिफिट रिस्टोर फॉर एल लॉन्ग टर्म कैपिटल द गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी सेल्स तो अभी क्या किया सरकार ने संपत्ति की बिक्री पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था अभी उसको या उस कर को या उस टैक्स की सूचीकरण लाभ को हटाने के लिए फैं, अपने फैसले को पलट दिया है तो टैक्सपेयर कैन नाउ चूज बिटवीन अ लोअर टैक्स रेट विदाउट इंडेक्सेशन और अ हायर रेट टैक्स विद इंडेक्सेशन फॉर प्रॉपर्टी बोर्ड बिफोर जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जुलाई 23 2024 टू तो आप क्या होंगे दोनों ऑप्शंस होंगे आ, बेसिकली पेयर के पास कि लोअर टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन और हायर टैक्स विद इंडेक्सेशन किस तरह की प्रॉपर्टी को वो खरीदना चाहते हैं क्लियर नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट डे न्यूज नेशनल जेवलिंग डे 2024 सेलिब्रेटिंग इंडिया गोल्डन मूवमेंट इन एथलीट्स तो जब हम जेवलिंग थ्रो की बात करते हैं तो किसका नाम ध्यान में आता है हमारा नीरज चोपड़ा का नाम ध्यान में आता है तो अगस्त सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से नेशनल जेवलिंग डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था इंडिया ने विद द ऑनर ऑफ नीरज चोपड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट वेन ही वोन इंडिया एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड विद द जेवलिंग थ्रो ऑफ एटी सेवन पॉइंट फाइव एट मीटर दिस विक्ट्री मेड हिम द सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड फॉलोविंग बाय अभिनव बिंद्रा तो पहले अब ये नव बिंद्रा थे और ये क्या बन गया है सेकेंड इंडिविजुअल बन गया है जिसने जेवलिंग थ्रो के अंदर क्या किया है गोल्ड अचीव किया या वी कैन से द विक्ट्री मेडल हिम द सेकेंड इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल क्लियर नेक्स्ट इज हिरोशी डे हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन सिक्स टू कॉमेमोरेट दिखिकिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम सबको पता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा जापान का पार्ट है न्यूक्लियर बॉम्ब किया था हिरोशिमा इन नागा पे तो हीरोशिमा डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन सिक्स ऑफ अगस्त दिस ईयर मार्क द सेवेंटी एनिवर्सरी ऑफ द बॉम्बिंग क्लियर So these are the important current affairs we have discussed. Now let's quick revise the session what we have discussed in this class. In this class, first we have discussed some important national news where we have discussed that Ministry of Health and Family Welfare basically issue SOFI for transforming human organs. Next, we have discussed two new peacock centuries in Kerala and Karnataka. Then a uh, uh, Portal EDSCR launched by DY Chandrachud. Also, we have discussed that. Uh,

Workers, clear. Next, we have discussed Navami Mission in UP and Bihar. Launch 2.0. Madras High Court basically strike down Section 77 as a non-constitutional. Then we have read that first state Haryana became the first state to adopt MSP policy. DG of Assam Rifle Vikas Lakhrela Dinesh Karthik has been appointed as the new brand ambassador of SA20 league also government appoint Challa Srinivasu as SBI chairman he will replace Dinesh Kumar Khara capital small financial bank and elder basically uh, merge or partner for bank assurance government reverse decision on indexation benefit store for LTCG also, we have discussed National Javelin Throw Day, Hiroshima Day. Clear? So, I hope you understand this session. Thank you.